पंजाब की राजनीति में आज एक नई पार्टी दस्तक देने जा रही है। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे चुके सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर आज अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में एक और पार्टी वजूद में आने जा रही है। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर शनिवार को अपनी नई पार्टी की घोषणा करने जा रहे हैं। पार्टी की घोषणा से ठीक पहले सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। हम तो भैया हम देखेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास जो नाम अवेलेबल होगा कहीं वो भी देखना पैंदा, कोई लीगल ना कोई ऐसी गलती ना हो जाए। आवाज़े पंजाब के नेताओं के उनकी पार्टी से जुड़ने के सवाल पर छोटेपुर ने कहा कि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि पंजाब की भलाई के लिए चंगे लोग उनके साथ आएंगे। तो हाली भी आसा कि वो जमीर वाले बंदे आ, समझदार बंदे आ, वो आउणगे पंजाब के लोगों के नाल ही आउणगे। जिन्ने चंगे बंदे आ, बंदे पाकिस्तानों तो आने नहीं गए, नवीं पार्टी बनी जिन्हां लोगों को यह होगा, जिन्हां लोगों के मन च आऊगा, वो जिन्ने जमीर वाले बंदे होणगे वो सारे साढ़े नाल आने आ। और तुसी वेखोगे कि एक इनकलाबी वातावरण बनूगा। वहीं छोटेपुर की नई पार्टी को लेकर विरोधी निशाना साध रहे हैं। आजाद देश में किसी को भी अपनी पार्टी गठित करने का अधिकार है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ना है। हर रोज कोई पार्टी गठित होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अजे तो स्टार्टिंग है, तुसी देखो अगे किन्ने लीडर जेड़े छड़ के कोई नवी पार्टी बनाओ, कोई चौथा फ्रंट बनाओ, कोई तीसरा फ्रंट बनाओ। आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ा नुकसान है, और जेड़े छोटेपुर साहब की पार्टी है किन्ना ग्राउंड गेन कर पाउंदी, क्योंकि समा बहुत थोड़ा। ये गल जिहड़ा भविख की गोद दे विच आ, और महीना क लगेगा ये सारी सिचुएशन क्लीयर होंदा। ज्यों ही उन्हां दी पार्टी फॉर्मेशन होंदी आ, असीं उदों बाद सांझे टेबल ते बैठ के गलबात करके एक मजबूत इत्थे विकल्प दी राजनीति दा फ्रंट भी बनावांगे। गौरतलब है कि सुच्चा सिंह छोटेपुर और आम आदमी पार्टी की राहें अलग हो गई हैं, और अब छोटेपुर मिशन 2017 को लेकर अपने सियासी कदम का ऐलान करने जा रहे हैं। पुनीत परिंजा, सी मीडिया, चंडीगढ़।